अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं एक टॉप की कटिंग जो कि पिन टेक्स की मदद से हम तैयार करेंगे। पिन टेक्स मैं डिज़ाइन भी आपको साथ ही दिखा देती हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा और ये बहुत प्यारा भी लगता है पहनने के बाद। इसमें ये देखें पिन टेक्स डाली हुई है, सिर्फ बॉडी बॉडी ना ही बहुत लॉन्ग है ना ही शॉर्ट छपले की तरह नॉर्मल है। ये देखें इस समय गैदरिंग की गई है और पिनटेक्स के साथ इसकी कटिंग बहुत आसान है। फ्रंट बैक पे मैं इस तरह से ये पिनटेक्स तैयार करवाऊंगी। सबसे पहले हमने टोटल लेंथ ली है 36 इंच फुल फ्लेयर की लेंथ फ्रंट और बैक बड़े अर्ज के कपड़े में। अब हमने जो लेंथ बॉडी का निशान आपको नजर आ रहा होगा मैंने लगाना है ऊपर की साइड से ऐसे। यहाँ से आप पहले सबसे पहले आर्म होल का निशान लगाएं, टोटल जितना कपड़ा है इसमें से ऐसे लें 6 इंच का पीस छोड़ दें ऐसे और 7 इंच या 7.5 8 इंच का ऐसे। तो ये हो गया कांधा यानी कि ऊपर से 1 इंच ऐसे का ठीक। अब जो ये वाली फिटिंग है ये करेंगे हम यहाँ से ऐसे अरे ये वाली ताकि ऊपर चेस्ट के पास से बहुत ज्यादा लूज ये टॉप आ रहे और पहनने के बाद खूबसूरती भी इसमें नजर आए। ये देखिए तकरीबन मैंने 2.5 या 3 इंच का ये ऐसे कट कर दिया। अब आम होल की कटिंग फ्रंट की बाद में भी हो सकती है अगर आप पहले करना चाहें पहले की। पहले मैं इसलिए नहीं कर रही कि ये जब हम ये चीज लगाएंगे इसमें नेक लाइन की जब कटिंग होगी तो तभी फ्रंट के आम होल की भी कटिंग हो जाएगी। अब नीचे दामन के पास से भी ये देखो 1.5 इंच का हल्का सा वो ज्यादा नहीं हल्का सा गोलाई यानी कर्व जिसे कहते हैं वो ऐसे कर लेंगे। अब मैंने जो ये वाली कटिंग करनी है इस तरह से मैंने निशान लगाया टोटल इधर से पहले इसीलिए मैंने आम होल की कटिंग किया ताकि आपको अंदाजा हो जाए। देखें 3 इंच का 3 इंच का यहाँ से रखकर स्ट्रेट बिल्कुल कटिंग करना है और हम कटिंग करेंगे 12 इंच तक। ये निशान मैंने 13 इंच तक भी लगाया है एक, लेकिन ये जब हम लेस लगाएंगे तो इसके साथ साथ दो लाइनें लग जाएंगी, अगर आप 3 या 4 लगाना चाहें वो भी लगा सकती हैं। यहाँ ये सिर्फ निशानी के तौर पे मैंने लगाया इस तरह से। ये देखें 12 इंच की लेंथ और यहाँ से 3 इंच बाकी सेंटर में जितना भी बच जाए अर्ज का कपड़ा, इसमें साइज का कोई इशू नहीं कि कितना बचना चाहिए कितना नहीं। ये देखिए अब जो ये बच जाएगा ये हम छोटी बच्ची के फ्रॉक में भी यूज कर सकते हैं, इसको जाया बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये 12 इंच की ऐसे स्क्वायर पीस बिल्कुल स्क्वायर निकाल लिया। अब ये ऐसे कटिंग हो गया, अब इसमें गैदरिंग होगी इस वाले पीस में। और जो मैंने आपको एक और पीस ये वाला हमने 13 इंच का ये पीस लिया है इस तरह से सिलाई के माध्यम के साथ इसमें प्रिंटेक्स डालेंगे। प्रिंटेक्स डालने के बाद फिर हमने इनमें नेक लाइन की फ्रंट बैक की नेक लाइन कटिंग करेंगे और इसके साथ अटैच कर देंगे। जब हम फ्रंट की नेक लाइन कटिंग करेंगे तो फिर उसी तरह से फ्रंट का आर्म होल की भी कटिंग करेंगे। इस तरह से ये टॉप हो जाएगा बहुत प्यारा सा रेड। स्लीव्स की लेंथ विड्थ टोटल मैंने 24 इंच लिया है, इसको तैयार रखना है हमने 21 या 22 2 इंच तक की हमने पिन टेक्स डाली है स्लीव्स में जैसा कि बॉडी में डाली है। देखें 8.5 यानी 8.5 इंच की विड्थ और 24 इंच की लेंथ और यहाँ से 3 इंच की कटिंग ये वाली भी कटिंग होगी। पिन टेक्स यहाँ निशान आयरन की मदद से लगाकर 5-7 जितनी भी लगानी है वो लगा लें। अगर आप इसमें लेसिस का इस्तेमाल करना चाहते हैं आप लेसिस भी लगा लें से खूबसूरती और बढ़ जाएगी। अब ये देखें हमने पिन टेक्स के साथ ये पीस कंप्लीट कर लिए फ्रंट के भी और बैक के भी इसी तरह से। अब हमने सेंटर में अटैच करने हैं सेंटर का निशान, सेंटर का निशान, इसका भी सेंटर का निशान। धागे की मदद से इसमें हमने डालनी है चुन्नट, चुन्नट डाल के इतना कर लेना जितना ये पीस है ये देखिए इतना। और इस तरह से एक बैक का और फ्रंट का और फिर कर लेने हैं इनके साथ
अटैच यहाँ से भी और यहाँ से। अब फ्रंट बैक की नेकलाइन कटिंग करनी है। जब ये नेकलाइन, ये देखें शोल्डर का जो साइज, इंडेक्स डालने के बाद आपने परफेक्ट शोल्डर का साइज रखना है, बाकी एक्स्ट्रा ये वाला पीस कटिंग कर देना है क्योंकि हमें चाहिए परफेक्ट। हमने ये अटैच कर लिया इस तरह से गैदरिंग के साथ, और इसमें हम लगाएंगे कंट्रास्ट लेस। लेस में हमने लगानी है दोनों साइडों में सिलाई। अब ये देखें इस तरह से जब हमारे कॉर्नर के करीब आते हैं तो इसे हल्का साइज से कोना बना लेते हैं ऐसे। सिलाई लग गई और इसको यही नीडल्स को रोक कर वापिस ऐसे घुमाना है ताकि कोना हमारा मशीन का ये लेस खराब ना हो। ऐसे करके लगानी है। हाफ की किनारी सेंटर में आ गई, ऊपर की सिलाई लग गई और नीचे की सिलाई, तो इस तरह से ये प्रेस हो जाएगी। ये देखें लग गई इस तरह से सेंटर में लेस। अब दोनों ही साइडों फ्रंट बैक में इस तरह से लेस लग जाएगी और फिर नेकलाइन की कटिंग होगी। ये देखिए हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया दोनों ही पीसेस को। डबल फोल्ड करने के बाद इक्वल किया। अब आर्म होल और नेकलाइन, ये जो थ्रेड वगैरह ये इसी में कटिंग हो जाएंगे जो हमने पहले आर्म होल की कटिंग की है। ऐसे ये देखिए मिला लिया, क्योंकि नीचे से इधर से कहीं से कटिंग नहीं होगी। अगर करना भी चाहें आप तो कर सकते हैं चेस्ट की फिटिंग के साथ। इसको दोबारा सा हल्का सा सिर्फ नीट कर रहा है, ज़्यादा नहीं नीट करने की वजह से मैंने थोड़ी सी कटिंग की है ऐसे। फिर अब इसके बाद यहाँ से हमने डबल और यहाँ से भी ऐसे लेसिस फोर आ गई, तो कटिंग के दौरान थोड़ा सा मसला हो जाता है। अब हमने फ्रंट बैक का ऐसे देखिए 3 इंच का मैंने फ्रंट और 3 इंच का ही बैक। अक्सर लोग कहते हैं आप अंदाजे से कटिंग करते हैं। जी बिल्कुल, अब इतनी बार कटिंग करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितना इंच होगा। अब ये बैक मैंने अलग कर लिया और ये देखिए बिल्कुल लेस वाला पीस मिला लिया। फ्रंट की नेकलाइन की और फ्रंट की आर्म होल की दोनों की ही हम कटिंग करेंगे। अब आप चाहें तो इस कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसे मैंने राउंड की है थोड़ा डीप कर सकते हैं, सेंटर में थोड़ा स्लिट भी ओपन कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे। लेकिन मैंने सिंपल किया है बिल्कुल राउंड छोटा सा, बहुत ज़्यादा डीप नहीं। अब इसके बाद हमने फ्रंट की आर्म होल की कटिंग नहीं देखी, 1 इंच तक मैंने किया और ऊपर आके एंड। अब ये हो गया कितना प्यारा सा टॉप हमारा ऐसे तैयार होने के मरहले में। ये देखिए इस तरह से, और ये बहुत प्यारा भी लगेगा स्टिच होने के बाद। अब ये देखें फ्रॉक हो गया कम्प्लीट टॉप, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है रियल में। दामन में हमने लेस यूज़ की है, सॉरी स्टार्ट में आपको नहीं बताया था कि हम लेस भी यूज करेंगे, लेकिन स्टिच होने के बाद ये लेस वैसे ही बहुत प्यारी लग रही थी तो हमने इसमें ऐड कर दी। और ये योग किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम चीजें बताई हैं, और इसी तरह से स्लीव्स में भी इंटेक्स के साथ लेस लगाई गई, और फ्रंट बैक पे इसी तरह से ये योग है बैक पे भी और फ्रंट पे भी। बहुत ही खूबसूरत सा ये टॉप तैयार हुआ है और रियल में तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। सिंपल कटिंग के साथ कम कपड़े में तैयार होने वाला ये टॉप आपको कैसा लगा बताइएगा।